नमो अरंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्जायारम नमो लोये सवसाहूरम शुद्धात्मानमनेकांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थम संदृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जयनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरं वितराग विज्ञान नमो तायाते भई अरहंताज महान येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै शुद्धात्मने नमः। ओम नमः। यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यदाप्तये प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्विषमन्यत मोहिनः। मोही और ज्ञानियों की प्रीति में अंतर है। प्रीति का विषय सम्यक दृष्टि के संवेग नाम के गुण में लिखा है रत्नकंठ सावकाचार में कि अज्ञानियों की प्रीति शरीर से, स्त्री पुत्र कुटुंबादिक से और पंच इंद्री के विषयों से, विषयों के साधनों से, विषय का साधन माने परिग्रह धन आदि इनसे होती है। ज्ञानियों की प्रीति आत्मा से होती है, आत्मा को बताने वाले देवशास गुरु से होती है, धर्मात्माओं से होती है, धर्म पर्वों के प्रति होती है। संवेग, वेग जानते हो, वेग वेग माने उत्साह। ज्ञानियों का उत्साह कहाँ होता है और अज्ञानियों का उत्साह कहाँ होता है, ये देख लो। तात्पर्य यह है कि हमें अपने परिणामों की पहचान कर लेना चाहिए। हमें उत्साह कहाँ आता है, आत्मा और परमात्मा के प्रति उत्साह आता है, धर्म पर्वों में उत्साह आता है, धर्म कार्यों में उत्साह आता है, या पंच इंद्रिय के भोगों में उत्साह आता है। अगर पंच इंद्रिय के भोगों में, शरीर में, पैसा में, पद प्रतिष्ठाओं में, प्रदर्शनों में उत्साह आता है तो समझ लेना चाहिए अभी हमारी ये अज्ञान दशा है। इन लक्षणों से अज्ञान दशा को पहचान कर अज्ञान दशा को दूर करना चाहिए। वैरातमता हे जान तज अंतर आत्म हुजे। वैरातमता वैरात्मपना अर्थात मिथ्या मान्यता, इस मिथ्या मान्यता को छोड़कर हमें प्रीति का विषय बदलना चाहिए। देखो पर द्रव्यंत है प्रीति जो है संसार अबोध, और निस्वभाव से प्रीति हो मोक्ष कहो श्रुतोध। निस्वभाव से प्रीति होना, यहां प्रीति में राग मत ले लेना अकेला। एक प्रश्न पढ़ा होगा तुमने, भगवान के दर्शन पूजा भक्ति स्वाध्याय ये तो सब राग है, बात चल ये तो सब राग है। अकेला राग नहीं है, इस राग के भीतर में एक श्रद्धा है। अकेला राग नहीं है, और ये तुझे राग दिखाई देता है, और जो एकांत राग है मिथ्या राग, स्त्री पुत्र कुटुंबादि के प्रति वह तुम्हें राग नहीं दिखाई देता। राग कहकर के क्या कहना चाहते हो कि ये तो आग है, दे हे है,
तो फिर जो जो राग है वो सब ही है ऐसा मानो पहले। अरे वहां तो राग ही अकेला नहीं है। एक शब्द बहुत सुंदर शास्त्र का लेना, क्या वहां तो राग का पोषण भी है। राग अकेला राग ही हो ऐसा नहीं है, वहां तो राग का पोषण ही है। यहां राग तो है लेकिन राग का पोषण नहीं है। वितराग के प्रति राग है तो वहां राग का पोषण नहीं है। यहां वितरागी को देख करके, वितरागी जिन वचनों को सुन करके ये भाव अंतर में जागृत होगा, हे भगवान हमारा राग छूटे कैसे। देखो एक न्याय बताती लोग, कहीं कोई उत्तर न मिले प्रत्युत्तर तो वह वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। जैसे एक लिखा है, गाली आवत एक है जावत होए अनेक, जो आके फिर नहीं रहे एक की एक। किसी ने एक गाली दी और तुमने भी गाली दी तो लौट के वो दो गाली देगा, और अगर फिरोगे नहीं लौटाओगे नहीं तो वो गाली खत्म हो गई। तुमने सुना है वो साधु पुरुष सज्जन पुरुष को गाली देता रहा और देते देते थक गया, और उन्होंने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, मुस्कुराते रहे वे। अंत में थक गया सो क्षमा मांगने लगा, गलती हो गई और हमने आपको इतनी गाली दी। तो उन्होंने एक बात कही, भैया कोई बात कोई चीज किसी को देवे और वह न ले तो किसके पास, बस खत्म हमारा। तुमने हमें गाली दी हमने ली नहीं। नहीं लेने का मतलब क्या है, हमने ये माना ही नहीं कि मुझे गाली दे रहा है। जिसे गाली दे रहा है वह मैं नहीं हूं, और मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज इस गाली देने वाले को दिखा भी नहीं जा, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वह अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज आत्मा दिखाई दे रहा है ज्ञान में तो गाली देना भूल जाएगा। ऐसे ही संसारी जीवों में जो प्रीति होती है वह दोनों ओर से हो जाती है। जैसे तुमने हमें देखा हमने तुम्हें देख लिया, अब वो ज्यादा देखना ज्यादा हो जाएगा, और तुम हमें देखो हम तुम्हें देखा ही नहीं तो कहां तक देखोगे। भगवान की ओर हम देखें भगवान हमें देखते ही नहीं। मैंने प्रीति का प्रत्युत्तर नहीं करते, प्रीति के बदले में प्रीति नहीं करते। तो भगवान ने, अगर हमने भगवान की ओर देखा और सोचो संसारी की ओर देखा होता तो वो भी हमें प्रेम से देखने लगता तो हमारा प्रेम बढ़ जाता, प्रीति बढ़ जाती, राग बढ़ जाता, पुष्ट हो जाता। और भगवंतों की ओर जब हमने देखा तो भगवंतों ने हमारी ओर तो देखा नहीं, तो अपने आप देख देख कर गए। उनको देख करके यही प्रेरणा मिली, भगवान ने कह दिया चुपचाप कि देखो अपने को देखो, हमारी ओर क्या देख रहे हो, जिसे हम देख रहे हो उसे देखो, हमारी ओर क्या देख रहे हो। हमारी ओर देखना प्रशस्त राग है, और जिसे हम देख रहे हो उसे ओर देखना वह राग का अभाव वितरागता है। तुम राग के अभाव का उपाय करना चाहती हो तो जिस हमें मत देखो, जिसे हम देख रहे हैं उसे देखो। ये लौकिक में भी कहते, भैया कोई के सामने भोजन की थाली आए और वो तुम्हें देखने लगे, बोले भैया हमारी शक्ल का देख रहे हैं, भोजन करो, हमारी शक्ल देखे तो सोने पेट भर जाए, भोजन करो ना। कैसे करें, जैसे हम कर रहे तैसे तुम करो। ऐसे ही हम आत्मा को देख रहे हैं और तुम भी आत्मा को देखो,
कैसे देखें? जैसे हम देख रहे हैं वैसे तुम देखो, और जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही देखो तुम भी। जैसे देख रहे हैं वैसे ही देखो, और जैसा देख रहे हैं वैसा देखो। हम पर भावों से शून्य देख रहे हैं आत्मा को, तो तुम भी अपने को पर भावों से शून्य देखो। हम ज्ञानालिक से परिपूर्ण देख रहे हैं, तुम भी अपने को ज्ञानालिक से परिपूर्ण देखो। हम अपने को ज्ञाता देख रहे हैं, तुम भी अपने को ज्ञाता देखो। करता मत देखो, बस खत्म हो गई बात। राग दूर करने का यही उपाय है। एक लाइन पढ़ी है तुमने भगवान की बेदी पर लिखी है, अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु जी मूक रहकर मुझको भी प्रभु बताया। है ये सिमंदर भगवान है, बेदी पर तो विराजमान किए हैं, हृदय पर विराजमान करो। हृदय में विराजो श्री भगवान। हाँ, ये सिमंदर भगवान अपनी सीमा को बता रहे हैं। सीमा को माने मर्यादा को, हद को। कहां तक तुम्हारी सीमा है? तुमने सड़कों पर चलते हुए देखा होगा, अमाइन थाने की सीमा समाप्त, बारौली सीमा थाने की सीमा चालू। तो ऐसे ही यहां समझ लो, ज्ञान मात्र तक तुम्हारी सीमा है, उसके आगे पुद्गल की सीमा है। अब अजीब की सीमा चालू, जिस इसमें ज्ञान नहीं है वह अजीब, जिसमें ज्ञान है वह अजीब। ये सीमा आ गई, सीमा समाप्त। सीमन धर, अपनी सीमा में रहते हुए, धारण माने धारण करते हुए अपनी सीमा को बता रहे हैं। देह तुम्हारी सीमा के बाहर है, आठ कर्म तुम्हारी सीमा के बाहर हैं, रागादिक भाव तुम्हारी सीमा के बाहर हैं। तुम्हारी सीमा में तो अनंत शक्तियां उछल रही हैं, ज्ञान तुम्हारी सीमा में है। लोक में भी कहीं कहीं विसंवाद होता है, ए सीमा में रहो, मर्यादा में बोलो, चुपचाप बको मत फालतू, सीमा में रहो, आगे मत बढ़ो। आपको बताया था ना, दो देशों की सेनाएं लगी हुई हैं अपनी सीमा पर, और अपनी अपनी सीमा में तो कुछ नहीं, और कोई ऐसे देश एक क्या देख रहा है, एक कहां घुसा है। अगर दूसरे की सीमा में प्रवेश करे तो विसंवाद होता है, क्लेश होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। विचार करो, सीमाएं तो होती हैं, प्रदेशों की भी होती हैं, जिला की होती हैं, गांव की होती हैं, और अपने देशों की भी होती हैं, तो झगड़ा क्यों नहीं होता? क्या अपनी अपनी सीमा में कार्य करते हैं? ये हमारा वस्तु स्वभाव है, अनाद निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा में दिए हुए परिणमती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। मर्यादा कहो, सीमा कहो, अपनी मर्यादा में परिणमित होती है। बताना बढ़िया सुंदर अर्थ, परमात्मा ये भगवान, चाहे सीमंदर भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे शीतलनाथ भगवान हो, वो कोई बात नहीं, ये भगवान बोलो ज्ञाता स्वरूप रहते हुए, ज्ञान मात्र रहते हुए ज्ञेय को जान रहे हैं, ज्ञेय रूप होकर के ज्ञेय को नहीं जान रहे। भैया माता को माता की दृष्टि से ही देखना ये सील है, बहन को बहन की दृष्टि से देखना ये सील है, पुत्री को पुत्री की दृष्टि से देखना ये सील है। अगर किसी दूसरी दृष्टि से देखने लगे तो उसका नाम कुशील है।
ऐसे ही जीव को जीव की दृष्टि से देखना, अजीव को अजीव की दृष्टि से देखना, आश्रव को आश्रव समझना, जानना, आश्रव को आश्रव जानना, आश्रव जानना माने दुख रूप जानना, दुख का कारण जानना, इसका नाम ज्ञान है। आपको बताया था ना ज्ञान किसे कहते हैं, जो अपने को जीव रूप जानता है, आत्मा जानता है, शरीर आदि को अजीव रूप जानता है, रागादिक भावों को दुख रूप जानता है, दुख का कारण जानता है, बंध को अहित रूप जानता है, कर्मोदय को भिन्न जानता है और संवर आदि को हित का कारण जानता है, मोक्ष को परम हित जानता है, उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ध्यान रखना, ज्ञान जानता है सारा विश्व, सारे विश्व को जानता है, लेकिन स्वयं विश्व रूप हो नहीं जाता। अरे केवली भगवान तो ठीक है, तुम भी किसी पदार्थ कोयले को जानते हुए क्या कोयले हो जाते हो, सोने को जानते हुए क्या सोना हो जाते हो, सोने को जानते हुए भी तुम मनुष्य रहते हो, जीव रहते हो, ज्ञाता रहते हो, और सोने को जानते समय भी सोना नहीं हो जाते, कोयला या सोना जो कुछ है पुद्गल पुद्गल रहता है और तुम जीव रहते हो। क्रोध को जानते समय क्या क्रोध रूप हो जाता है, जानते समय तो नहीं हो जाता। ए भैया आज उसको बहुत गुस्सा आ गई, फिर उसने ऐसे लड़ने लगा, लड़ने को तैयार हो गए वो तो, और बस कुछ नहीं दूसरे को सूचना दे रहे, वो सुन रहा है और तुम भी कह रहे हो और कछु नहीं, तुम्हें कछु नहीं। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे, शरीर इनका छोटा है, छोटे कोई आत्मा तो होता नहीं, शरीर छोटा है, छह उपम कम वो भले, लेकिन बच्चे तो बच्चे हो गए। हे पापा की लड़ाई हो गई, अरे अम्मा गुस्सा हो गई, अब तो गुस्सा हो गई तो अम्मा की गुस्सा उस बच्चे में थोड़ी आ गई, अरे अम्मा गुस्सा हो गई। मैंने वो ज्ञान क्रोध रूप होकर के क्रोध को नहीं जानता, ज्ञान ज्ञान अगर क्रोध रूप हो जाए तो फिर जाने कौन, ये तो चेतन ज्ञान है, चेतन दर्पण है। पौद्गलिक दर्पण में भी पदार्थ प्रवेश तो नहीं करते, बरसात को जानते समय दर्पण गीला नहीं होता, आग को जानते समय दर्पण गर्म नहीं होता, भीड़ को जानते समय दर्पण खंडित नहीं होता, टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता, जानता है। दर्पण दर्पण रहते हुए, दर्पण स्वच्छ रहते हुए इस सारे दृश्य को जानता है। ऐसे ही ज्ञान दर्पण भी सारे विश्व से भिन्न रहते हुए विश्व को जानता है। भिन्न रहते हुए, ऐसा नहीं कि विश्व को जानते समय विश्व रूप ही हो जाए, और बहुत खतरा होगा अगर ऐसा हो जाए तो, नारकी के दुख को जानेगा तो स्वयं दुखी हो जाए, एक भी गुण नहीं बचेगा। जैसे दर्पण भीड़ को जानते समय खंडित हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो दिखेंगे किसमें, ये पदार्थ इतने जैसे इतने लोग बैठे हैं, यहाँ एक दर्पण लगा है, अगर टुकड़े टुकड़े हो जाए तो फिर इतने लोग दिखेंगे किसमें, आपको मालूम है इतना भी टुकड़ा होगा तो उसमें सब दिखेंगे। दर्पण कोई अपनी स्वच्छता को थोड़ी छोड़ेगा, अपनी अखंडता को थोड़ी छोड़ देगा। बड़ी सुंदर चर्चा की मुन्नाज पद्म परमलधारी देव कहते हैं, अरे जब पुद्गल अपने पुद्गल पने को नहीं छोड़ता तो ज्ञानी अपने ज्ञानी पने को कैसे छोड़ेंगे, बुरा बुराई नहीं छोड़ता, भला भलाई कैसे छोड़ेगा,
दुर्जन दुर्जनता नहीं छोड़ता तो सज्जन सज्जनता कैसे छोड़ देगा? ये पर्याय की दृष्टान है। जीव के साथ रहते हुए भी शरीर जीव नहीं होता और शरीर में रहते हुए भी जीव शरीर नहीं होता, दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं और जीव चला जाता है। कैसे समझाया? तू यहीं पड़ा रह जाएगा, जिसको तू अपना मान रहा है वो यहीं पड़ा रह जाएगा, ये हंस अकेला जाएगा। अब जी बताओ, जो पड़ा रहेगा सो तुम हो कि जो जाएगा सो तुम हो? और मन किसको रहे हो? जो पड़ा रहेगा उसको तुम अपना मान, तू यहीं पड़ा रह जाएगा, ये हंस अकेला जाएगा। सिमंदर भगवान अपनी सीमा को दर्शा रहे, अपनी सीमा में रहता है प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। मिथ्या दृष्टि वस्तु स्वभाव की सीमा को नहीं पहचानता, इसलिए दो पदार्थों को एक में एक मानता है, हैं? वो अपनी सीमा का उल्लंघन करता है। कैसा उल्लंघन करता है? पर को अपना मानता है। अगर तुम्हें सुखी होना हो तो अपनी सीमा में रहो, तुम अपनी सीमा में रहोगे तुम्हें कोई आंच नहीं है, कोई कष्ट नहीं होगा। और अगर अपनी सीमा को उल्लंघन करके जाओगे तो तुम ही हारोगे, तुम ही पिटोगे, तुम ही दुखी होगे, तुम ही रोगे। अरे खेल होते हैं ना, एक लकीर बना देते बीच में, अब वो सीमा हो गई, अब अपनी पार्टी में रहे तो थोड़ी उसको कुछ करेगा, वो उसमें घुस जाएगा तो ही हार जाएगा। लड़ने भी आएगा, ए तुम निकलो निकलो निकलो, निकले नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, वो यही चिल्लाएगा निकलो तुम, तब देखें हम तो। वो व्यंतर यही कह रहा था तुम अमुकार मंत्र को छोड़ मिटाओ, सो ही हम तुम फिर देखेंगे, हम ऐसे मार लेंगे। कुटिलता थी उसकी, वो सोचता था अमुकार मंत्र इसने मिटाया, इसका पुण्य छीनूंगा और हमने इसको मारा। क्यों? मरे कोई मार सकता है, जिंदा को कौन मारेगा? मृत्यु काल शरीर का ही ग्राहक है, मेरा नहीं। मक्खी भी एक गंदगी पर बैठती है, अग्नि की ज्वाला पर नहीं। ऐसे मृत्यु ये शरीर को ग्रहण करती है, आत्मा को नहीं। माने मृत्यु के काल में शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष अलग होता हुआ देखा जाता है, अलग तो पहले से भी है। तो तुम्हारी सीमा है, सीमा अंदर भगवान ने बताई तुम्हें सीमा, अपनी सीमा अगर तुम्हें रहना है सीमा में रहो। सीमा में रहो का अर्थ क्या है? रहना तो चारित्र का विषय हो गया, हैं? हैं? अपनी सीमा को पहचानो, ये ज्ञान का विषय हो गया। और यहां तक ही अपनी सीमा मानो, इसके आगे सीमा अपनी मत मान, ये दूसरे की सीमा है, यहीं तक तुम्हारी सीमा, सीमा समाप्त हो गई। अब ये निश्चय हो गया, अब इसका व्यवहार बोलो। सीमित एक समिति शब्द पढ़ा होगा आपने, समिति माने क्या होता है? सीमित व्यवहार, सीमित प्रवृत्ति, मर्यादित प्रवृत्ति। सीमा पे चलो, अपनी सीमा में चलो, अपनी सीमा में बोलो, अपनी सीमा में सोचो। तुम अहिंसक हो, अहिंसा की बातें क्यों सोचते? जी मर जाए, ये दुखी हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, ये क्यों सोचते रहते हो?
एक विधवा स्त्री थी। एक ज्योतिषी आया, उसने हाथ देखने लगा, बड़ी भाग्यशाली है और अब इस देश की बागडोर विधवा के हाथ में आने वाली है। और उसने सुना तो भूल गई, और भूल गई जो वर्तमान में मंत्री था उसकी हत्या का षड्यंत्र रच दिया उसने, वो भी राजमंत्री थी। और उसने बस अपना षड्यंत्र पूरा का पूरा चालू और उसको उसका मर्डर करवा दिया। लेकिन वो षड्यंत्र खुल गया, षड्यंत्र खुल गया और बाद में पत्रकार बोले इसकी बुद्धि पर तरस आता है, विधवा के हाथ में होगी, इसने विधवा तैयार कर ली। वो मर गया ना, वो विधवा जाकर के राज की बागडोर ग्रहण करेगी, ये तो मंत्री भी नहीं रह पाएगी। उसने सोच लिया विधवा वही है तो हमें मिल जाएगी, लेकिन उसने दूसरी विधवा तैयार कर ली ना करी। हजारों प्रसंग पुराण की पढ़ो चाहे जगत में देखो, जो ये जीव निमित्तों को हटाना चाहता है वो निमित्त मिलाता है, निमित्त मिलाए हैं उसने। शराब फेंकवाई थी उन्हें, वहीं वहीं पहुंचा दी, उन्हें तो कहां पहुंचती। और उसने भी दीपायन ने भी दीक्षा ग्रहण इसलिए करी थी हमारे निमित्त से द्वारका न जले, उसको टालने की कोशिश करी थी। आज चिकित्सा विज्ञान ये समझ लो अपनी ये कोशिश कर रहा है मरे नहीं आदमी, और पूरे के पूरे भौतिक विज्ञान अकाल मरण के कारण तैयार कर रहा है। अब तो एक सामान्य बात हो गई, घर पर मरण होना बहुत कम हो गया। घर पर मरण होना ये समझो 5% भी नहीं बचा हुआ। जितनी मौतें होती हैं उनमें एक्सीडेंटों का, टेंशन का, दवाइयों का बड़ा योगदान रहता है। जितनी औषधियां बढ़ी उतने रोग बढ़े, रोग मिटे नहीं उतने रोग बढ़ गए। जितनी सुविधाएं बढ़ी उतनी उलझने बढ़ी, समस्याएं बढ़ी। जितनी सुविधाएं बढ़ गई उतनी समस्याएं बढ़ गई, उतना ही आदमी प्रमादी हो गया। अब वो खड़े खड़े देखता रहेगा एक घंटे, लेकिन ये नहीं है तब से चल दी, और पहले 10-5 किलोमीटर बैठ चल दी था। कितना प्रदूषण फैला, कितना प्रदूषण, और प्रदूषण किसके लिए फैला है, केवल अपने लिए। अपन को भी उसी प्रदूषण में रहना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ही समझो ये मोह करता है तो अपन उस मोह के दुष्परिणाम, क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन, दुष्प्रभाव, इन्फेक्शन अंग्रेजी बोल देते, हिंदी में दुष्प्रभाव, उस मोह का दुष्प्रभाव इसको किसको झेलना पड़ता है। चलो शास्त्रीय बात बोलो, मोह जनित आकुलता किसको होती है, बिचारी परमेश्वर को थोड़ी होगी, मोही को होगी। राग का दुख किसको होता है, जिसे राग होता है उसे ही दुख होता है, जिसे राग नहीं होता उसे थोड़ी दुख होता है। तो भगवान ये कह रहे सीमा में सोचो, तत्व का विचार करो, विपरीत विचार मत करो, सीमा में बोलो, अनर्गल मत बोलो, सीमा में खाओ पियो, सीमा में क्या खाओ पियो तुम्हारी सीमा में है कहां। अरे ये व्यवहार की बात चल रही भैया, सीमा में खाओ
और खाने को सीमा में मत देखो। एक तो सीमा में खाओ, चाहे कुछ थोड़ी खाने लगोगे अवच वचन करोगे क्या? ठीक है ना, तो सीमा आ गई तुम्हारी, इतनी चीजें खा सकते, इसके बाद नहीं खाएंगे, हो गई सीमा। अब खाने को सीमा में मत देखो, मैं भोजन कर भोगता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, और ज्ञाता समझ करके अपने आनंद का भोगता बनो, आनंद का अनुभवन करो। सीमा में बोलो और बोलने को सीमा से बाहर मानो, मौन में वाहितम साध्यम। बोला भी सीमा में, कम बोलो, बहुत सीमा में सीमित वचन बोलो, हित मित प्रिय वचन। उस दिन चर्चा की थी ना, देखो भैया दूध में शक्कर डालना भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन वाणी में शक्कर डालना मत भूलना, मीठा बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना। लेकिन मीठे का बोलने का मतलब ये नहीं है चापलूसी करने लगना, मीठा बोलना लेकिन उसके पहले हित रूप बोलना, हित की बात हो उसको बोलना, चाहे कुछ नहीं बोलना। तो सीमा में बोलो और बोलने मात्र को, भाषा मात्र को अपनी सीमा से बाहर जानो। ये भाषा वर्गना की परिणति है, मेरी परिणति नहीं है। कैसे लिखा होगा, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। ये सब पुद्गल के खेल हैं, पुद्गल की परिणति है, ये मेरी परिणति नहीं। अगर हम इसको आगम शैली में देखें तो पुद्गल की परिणति का अर्थ क्या है? जो पुद्गल को अपना मानता है उसको ऐसी परिणति होती है, पुद्गल के लक्ष्य से होती है, और इस परिणति में ज्ञान नहीं है। अच्छा, क्रोध पुद्गल है, क्यों पुद्गल का? कि जैसे पुद्गल में ज्ञान नहीं है ऐसे क्रोध में भी ज्ञान नहीं रहता, क्रोध अंधा हो जाता, फिर चाहे कुछ बोलने लगेगा चाहे कुछ सोचने लगेगा, अपनी सीमा का उल्लंघन कर देता है। जो बाहर वाला बाहर ही तो खींचेगा, तो ये क्रोध आदि हैं, ये बहिर तत्व हैं, तुम्हारी परिणति को बाहर खींचते हैं, तुम्हारा ज्ञान बाहर बर्बाद होता है। सोचने की शक्ति तुम्हें मिली, असंगी हो, असंगी तो नहीं हो, लेकिन बाहर बाहर की बातें सोच पाते। भगवती आराधना में बहुत सुंदर लिखा, ये कसाएं जो है, बोलो क्या कहा था, ये कसाएं उपकार को बुलाती हैं और अपकार का अध्ययन कराती हैं। यानी कहां की याद करोगे, कब की याद करोगे, अच्छा इन्होंने उसने ऐसा कहा था, और बीच में क्या कहा था क्या किया था वो कुछ नहीं। अरे हम भूखे थे और इन्होंने रोटी खवाई थी, ये नहीं देखेंगे, इन्हें उसने ऐसा कहा था, बस दो वर्ष पहले की बात याद है और तीन दिन पहले की रोटी की याद नहीं। हम बीमार थे, इन्होंने बड़ी सेवा की थी, ये नहीं देखेंगे, इन्होंने हमें बस ये कहा था, मने कर देंगे, बस खत्म मामला। ये कसाएं उपकार को लोपती हैं, उपकार उपकार याद ही नहीं आता, और अपकार का अध्ययन कराती हैं। नारकी जीवों की कसाएं तीव्र होती हैं, उनको एक विभंग ज्ञान होता है, कुमति ज्ञान, कुसुरत ज्ञान और विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान क्या करता है, उनको बैर बैर याद आते हैं, अच्छी बातें याद नहीं आती, जिनसे बैर मिटता है ऐसी बातें याद नहीं आती, जो जिनसे बैर बढ़ता है उन बातों को याद करता है, और बैर बढ़ा करके वो लड़ते बढ़ते रहते 24 घंटे। इसलिए कहा है छेड़ाला में,
सिंहाधिक सैनी हुए क्रूर, निबल पशुवत खाए भूर। अगर पंचेंद्री भी हो गया और क्रूर परिणामी होगा तो क्रूर परिणामों में धर्म का पात्र नहीं होगा, ये समझ लेना। संगी पंचेंद्री हुआ उसके बाद भी विशुद्ध परिणाम चाहिए, और विशुद्ध परिणाम ये कहेंगे सवेरे पढ़ा था अपनी भक्ति में भावना में, बोलो क्या पढ़ा था? हमारा किसी जीव के प्रति दुर्भाव नहीं हो गए, कलुषित भाव नहीं हो गए, हमारा मैत्री भाव सब जीवों के प्रति रहे। कलुषित भाव नहीं आवे, खोटे भाव नहीं आ जा, किसी का अहित चिंतन नहीं आवे, और किसी का अहित तो तुम कर ही नहीं पाओगे, ये तुम्हारी सीमा से बाहर है। जब दो द्रव्य अपनी अपनी सीमा में है तो तुम उसका उसकी सीमा में घुसे बिना कैसे करोगे? अभिमन्यु से कौरवों ने कहा, वो पांडवों ने कहा तुम घुस जाओ फिर हम देखेंगे, और उसको घुसा दिया और खुद घुस नहीं पाए। जब चक्रव्यूह में खुद नहीं घुस पाए, प्रवेश नहीं कर पाए, तो अभिमन्यु को बचाए कैसे? विचार पड़ गया के अलावा। हालांकि अपने उत्तर पुराण में आया अकेला भी लड़ते लड़ते अंत में वह घायल होकर के गिर पड़ा, और जैसे ही गिरा सो ही उसने समाधि ग्रहण कर ली, और देह से भिन्न आत्मा का स्मरण करते हुए सबके फिर वो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सब इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे हो गए सो उसकी समाधि कराई, और समाधि करके वो अच्छी गति हो गया। लेकिन जब तक वो घुस नहीं पाएंगे पांडव, तब तक चक्रव्यूह में से अभिमन्यु को कैसे बचाएंगे? बुझोता ऐसे ही तुम्हारे प्रदेशों में जब परद्रव्य का प्रवेश नहीं होगा तो परद्रव्य तुम्हारा कर कैसे पाएगा? ध्यान रखना, एकत्व बुद्धि और कर्तत्व बुद्धि दोनों एक समान समझो। एकत्व बुद्धि तुम्हारी बहुत कम दिखाई देती है, ये मैं हूं ये मेरी है नहीं, लेकिन मैंने बनाई है। दान देने के बाद भी ऐसा लगता है ये मैंने दी, एक चादर किसी ने दी ला करके तुम्हें, और तुम ओढ़े बैठे तो वो देखता ये चादर मेरी है, चादर मेरी, और नहीं है कह महाराज ठंड बहुत है, वो चादर कहां गई? वो चादर कहां गई? माने जो हमने दी। वह तो चादर हमने इन्हें दे दी, ए हमने ओढ़ने के लिए दे दी आपको, उसको ये लगता है ये मेरी है, भले पर की ओर दिखाई दे रही है लेकिन ऐसा लगता है मेरी है। और कर्ता बुद्धि भी वहीं आती है जहां मेरापन होता है, और जहां मेरापन नहीं होता वहां कर्ता बुद्धि आती भी नहीं है, चलती भी नहीं है। इसलिए एकत्व बुद्धि का और कर्तत्व बुद्धि का दोनों का अभाव एक साथ होता है। तो सुख के लिए शरीर आदि के ममत्व का त्याग, और ममत्व के त्याग के लिए भोगों का त्याग करते हैं ज्ञानी जन, और वितरागता की साधना करते हैं भोगों का त्याग करके। मुनि धर्म में और गृहस्थ धर्म में इतना अंतर है, बस इतनी बात कहेंगे। मुनिराज समस्त परिग्रह का त्याग करके आत्म साधना कर रहे हैं, उत्कृष्ट बने प्रचुर स्व संवेदन, और गृहस्थी बने अन्याय अनीति का तो त्याग किया है लेकिन अभी न्याय नीति का त्याग नहीं कर पाया। संकल्पी हिंसा का तो त्याग कर दिया लेकिन विरोधी आरंभी उद्योगी हिंसा अभी नहीं छूटी। थोड़ा अनुचित परिग्रह का तो त्याग कर दिया लेकिन उचित परिग्रह के साथ में भी अपना धर्म ध्यान कर रहे,
इसलिए गृहस्थों का धर्म ध्यान है बदली की धूप, बरसात की धूप निकली और कहीं निकली और कहीं निकली, और इनका धर्म ध्यान मुंडाजों का है जेठ की धूप। हर परिस्थिति में धर्म ध्यान चलता है। प्रचुर स्व संवेदन क्यों है? इसीलिए प्रचुर सुख है, प्रचुर आनंद क्यों है? कि प्रचुर स्व संवेदन है। जितना हम अपने अपने बारे में सोचेंगे, आत्मा के बारे में सोचेंगे, उतना ही उतना आनंद अपने को अधिक अधिक आएगा, और जितना हम पर के बारे में सोचेंगे उतना ही दुख बढ़ेगा। इसलिए ज्यादा पर के बारे में मत सोचो, ठीक है वो, उसकी होनार का विचार करके क्षमता रखो विचारना। सयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती सो जपो जिन रे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन।